नमस्कार, आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। एक व्यक्ति को गोली मारने को लेकर के घर के बाहर सोया हुआ था और रात में उसको गोली मार दी गई और जो आरोप लगा है बेटे के साले पर लगा है कि गोली मार करके वो फरार हो गया। और बताया जा रहा है बहनों का ससुराल पक्ष में कोई विवाद चल रहा था। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। रेवाड़ी में एक व्यक्ति को बेटे के रिश्ते में साले लगने वाले युवक ने गोली मार दी। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कसोला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दिल्ली जयपुर हाईवे से सटे गांव संगवाड़ी निवासी दिनेश उर्फ मंगल, जिसकी उम्र करीब 52 साल है, रात को घर के बाहर ही चारपाई पर सोया हुआ था। सुबह करीब 3 बजे एक शख्स उसके पास पहुंचा और सोते हुए पर ही फायरिंग कर दी। एक गोली दिनेश के पैर में लगी है और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गोली चलने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घायल दिनेश को तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनेश ने बताया कि उसे गोली पांव में लगी है। दिनेश ने बताया कि उसे गोली गांव कसोली निवासी सुकुन ने मारी है। सुकुन उसकी पुत्र वधू के ताऊ का लड़का है। सूचना के बाद कसोला थाना पुलिस पहले मौके पर और बाद में अस्पताल पहुंची। पुलिस के मुताबिक पीड़ित दिनेश उर्फ मंगल के 2 बेटे गोपाल और अशोक की शादी गांव कसोला में सरस्वती और सीमा नाम की लड़कियों के साथ वर्ष 2012 में हुई थी। बताया जा रहा है 30 अगस्त को दोनों के ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कसोला थाना में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये हमने आपको एक बड़ी खबर दी किस तरीके से एक सोए हुए व्यक्ति पर ही गोली चला दी गई। मेरा सब बेटा लग गए। अच्छा, उन्होंने गोली मारी। क्या नाम था? तो सुकन। कारण क्या रहा गोली मारने? आपसे झगड़ा होकर तेरे बालका को। अच्छा, बेटिया को तू बदली बहू से उत्तर राख से कौन सी नोट कितने लाख के था नोट और गोली मरवा दी और मानने का बाप गया तीन रूम मिल के। नाम क्या क्या है? राधेश्याम, कृष्णा, सरस्वती। पुलिस में कंप्लेंट करवाई? हाँ कर दी। पुलिस हाली? हाँ हाली।